लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आज की क्लास में हम फाइनल अकाउंट्स का न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। सो प्रैक्टिस सी द एग्जांपल। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ चंद्रशेखर प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2006। यानी कि हमें 31 मार्च 2006, ठीक है, आपको कोई भी एंडिंग है ईयर में होगा उनके लिए वी नीड टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे आपको फाइनल अकाउंट्स हैं, तो मैं एक बार जब कभी भी आप फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो प्लीज मेंशन दैट आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों एक साथ आपको प्रिपेयर करनी है। अलग अलग प्रिपेयर करोगे कंफ्यूजन होगी, ठीक है, ध्यान से नहीं रख पाओगे। इसका सबसे अच्छा पैटर्न क्या होता है, बैलेंस शीट भी है आपने परफॉर्मा सबका बना दो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी आप परफॉर्मा बना दीजिए और आप ट्रेडिंग अकाउंट का भी परफॉर्मा बना दीजिए। फिर क्या करना है, और एक चीज हमेशा से ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको बेसिक कंसेप्ट, ये जो ऐसे कंसेप्ट गिवन है, ठीक है, ऊपर जो आपको गिवन होंगे इस तरीके के फॉर्मेट में, हाँ, आपकी जो ट्रांजेक्शन की एंट्रीज होंगी वो खाली एक बार होगी। यहाँ पे इफेक्ट जो होगा वो एक बार इफेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ जो एडजस्टमेंट में जो इफेक्ट होगा, जो आपके पास एडजस्टमेंट में कोई भी चेंजेस होंगे या एडजस्टमेंट आप उन्हें सॉल्व करोगे, आप एडजस्टमेंट में इफेक्ट करोगे, ये आपके पास इनकी जो एंट्रीज होंगी वो उनकी एंट्रीज क्या होंगी, 2 टाइम्स इनकी एंट्रीज होंगी, 2 बार इनकी एंट्रीज होंगी, ठीक है। सो जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मर्ज कर दिए क्योंकि बात वही है, सेम ही सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो हमने, क्योंकि इसका जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपको, यानी कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साइड में ही जाएगा। सो जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग द टू सेपरेट अकाउंट, जो, ठीक है, वी प्रिपेयर अ सिंगल अकाउंट, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक, बट प्लीज रिमेम्बर दैट हमें इन एडजस्टमेंट्स की, जो ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, इन एडजस्टमेंट्स की हमें जो एंट्रीज करनी है, इन एडजस्टमेंट की एंट्रीज हमें 2 बार इनकी एंट्रीज कवर करनी है। आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, इन एडजस्टमेंट की एंट्रीज यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, इंश्योरेंस, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, ठीक है, इन सब की जो एंट्रीज हमें ना वो 2 टाइम्स करनी होंगी। लेकिन जो आपके ऊपर में गिवन है डाटा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इन सब का ये है, उन सब की एंट्रीज आपको एक ही बार करनी है। अब एक बार वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपके लिए क्या है, ड्राइंग्स है, तो मुझे बताइए कौन बताएगा कि ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट कहाँ होता है। मैम बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में शीट। वेरी गुड। सो जो ड्रॉइंग्स हैं उनका ट्रीटमेंट कहाँ होता है, लायबिलिटी साइड में होता है। और ये हमारा कहाँ से माइनस होगा, अच्छा मैं ये थोड़ा सा कैपिटल में से, 2 मिनट का टाइम कैपिटल आपको में देती से हूँ। कैपिटल हाँ, ये 2 मिनट के टाइम में से जितने भी सारे आइटम्स आप देख रहे हो ना, ठीक है, जितने भी सारे आप आइटम्स देख रहे हो उन सबको आप एक बार नजर मार लो, फिर मैं आपसे पूछती हूँ इन सब का ट्रीटमेंट कैसे कैसे कहाँ होगा। हाँ बोलिए, मैम वो एक प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम हो गई। मैम, वो क्या है ना, मेरी फोन की बैटरी ना डेड होने वाली है, और हमारे यहाँ पे ना वो हमारे लट्ठे में ना आग लगी, इस वजह से सुबह से लाइट गई हुई है, तो अच्छा, मेरा यू ना वांट योर अटेंडेंस, आप ना ग्रुप में मैसेज कर देना। मैम बस आप, मैंने अब अभी थोड़ी देर में डेड हो जाएगी, हाँ हाँ इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो, यू वांट अटेंडेंस ना, तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं लगा दूंगी, ओके मैम। ठीक है। आप लोग बाकी बच्चे करना स्टार्ट कर दो। बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी,
मैम टेबल थोड़ा नीचे करो। प्लीज सभी ईमानदारी से कीजिएगा क्वेश्चन, मेरा लॉस नहीं आपका लॉस होगा। ठीक है हो गया ना, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, वन बाय वन परचेज कहाँ आएगा बताइए। परचेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रिटर्न इनवर्ट कहाँ मैम, उसमें से रिटर्न इनवर्ट उससे आएगा ना मैम, सेल साइड ट्रेडिंग अकाउंट के सेल मैम माइनस। ये क्या होता है हमारे लिए माइनस होता है मैम, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल में से माइनस होगा क्रेडिट साइड। ओके, ये स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा मैम? डेबिट साइड मैम, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। हम डेबिट साइड वेरी। तो अब आप सभी ने अगर अपना अपना प्रिपेयर कर लिया होगा तो मैं अब आपको वन बाय वन समझाती हूँ। अब आपको क्या करना है, सभी को प्लीज सभी म्यूट कर दीजिए, वॉइस नहीं आ रही है। आप सभी एक एक आइटम उठाइएगा और उसकी एंट्रीज हमें करनी है। जैसे ड्रॉइंग्स हैं, ड्रॉइंग्स तो हमारा कैपिटल में से क्या होगा, लेस होता है। जैसे हमारे लिए ड्रॉइंग्स है तो यहाँ आइए, यहाँ एंट्रीज में देखिए, ये ड्रॉइंग्स है तो यहाँ मेरा कैपिटल में से लेस होगा। मुझे नहीं पता अभी, ठीक है, कैपिटल कितनी निकल के आई है क्या है। मैं अभी सिंपल क्या कर रही हूँ, एक एक आइटम को उठा रही हूँ और उसको मैं उसकी सिर्फ पोस्टिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉइंग से आप उसे शेप या तो साइड में लिख लो, यहीं लिखना है नीचे ऐसे करके लिख लो, क्योंकि आपका कैपिटल में से क्या होगा, माइनस होना है। अब आगे आ जाइए, आगे आपके पास कुछ एंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे कि परचेज है, रिटर्न इनवर्ड है, ओपनिंग स्टॉक है। इन सभी की एंट्रीज मेरी कहाँ पर होंगी? इन सभी की एंट्रीज मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में होगी। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सभी की वन बाय वन आपको एंट्रीज करनी है। अगर आपको डाटा अच्छे से आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस
मैं वॉइस लेफ्ट हो गई। हाँ हाँ बैलेंस शीट बनानी है क्या इसमें? तीनों बनाने हैं, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पे एंड बैलेंस शीट। स्क्रीन शो हो रही तुम्हें? मैम लेफ्ट हो गए तो स्क्रीन का कौन शो करेगा? कोई क्वेश्चन दिखा दो, मैंने पूरा ही नहीं देखा। किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है तो स्क्रीन शेयर कर दो। ग्रुप ग्रुप में भेज दो क्वेश्चन। ग्रुप में भेज दो क्वेश्चन। भेजो यार। हाँ भेज दो। ठीक है। हाँ जी वापस आ गई हूँ। ठीक है आइए एक बार इसकी एंट्री मुझे बताओ, कैश हैंड किस में आएगा? मैम आवाज बैलेंस शीट में लाइफ को एसेट साइड एसेट साइड में आपके पास आएगा। देखिए आप वही सारी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक है, वो आपका किस साइड में आएगा? कैश इन हैंड, कैश इन बैंक आपके पास? मैम बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। मैम बैलेंस शीट के मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक मिनट। आप प्लीज ना म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए रिंकी, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगी। म्यूट कर दीजिए अपने आप को। ठीक है तो आप यहाँ देखिए कैश इन बैंक कैश, ठीक है इन बैंक है और इन हैंड है, या आपके पास एसेट साइड में आएगा, कैपिटल आपका क्रेडिट साइड में आएगा बैलेंस शीट की, और ये भी लिखा है सर्वरी क्रेडिटर्स, ये भी आपका स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो रही है अभी, बस हो रही है, दो मिनट रुको। ओके मैम दिखा रही। अभी भी शो नहीं हो रही है स्क्रीन? नो मैम। नो मैम। नो मैम नहीं हो रही। नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ओके एक मिनट देखते हैं।
आप एक बार ग्रुप में देखिए, ग्रुप में बच्चों ने उसके जो स्क्रीनशॉट है वो लेके सेंड किए हुए हैं। डिस्काउंट का क्या करेंगे? दो डिस्काउंट है। दो बस अभी बता दीजिए। एक बार आप उसको जो स्क्रीनशॉट सेंड किए हुए ना, एक बार आप उसको देखो, उसमें से समझने की एक बार कोशिश कीजिएगा। बाकी पता नहीं स्क्रीन क्यों नहीं हो रही है। मैम मैं यहाँ से शेयर कर दूँ स्क्रीन क्वेश्चन की? हाँ आप एक बार शेयर कर दो। अचानक ही बीच में से कैसे चली गई समझ ही नहीं आया। मैम शो हो रही है मेरी स्क्रीन? हाँ बाबू एक मिनट रुकना। हाँ दिख रही है आपकी स्क्रीन, ब्रॉड नहीं दिख रही ना? और कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार उसमें ग्रुप में देखो, मैंने क्वेश्चन उसमें सेंड कर दिया है, मैं उसमें से आपको समझाती हूँ। ठीक है, नहीं शो हो पा रही है तो आप उसमें एक बार देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कैश इन बैंक कैश एट बैंक, ये आपके पास कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, ये भी आपका बैलेंस शीट में आएगा क्रेडिट साइड में। सो कैपिटल आपके पास कितना हो गया? 24,000। क्रेडिटर्स आपके पास कितना हो गया? 10,000। तो कैश इन बैंक कैश एट बैंक आपके पास है, ये आपका एसेट्स की डेबिट साइड में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी को ग्रुप में जो है विजिबल आप उसमें से देख रहे हो, ग्रुप में जो आपको दिखी आप उसमें से एनालाइज कर रहे हो? यस मैम। ठीक है ना? हाँ, तो अब आप इसमें आगे देखिए, सेंडरी ये जो आपके पास बताइए, ट्रेड एक्सपेंसेस किसका पार्ट है? ट्रेड एक्सपेंसेस किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्लियर? क्योंकि देखो एक्सपेंस है ट्रेड के, ये तो आपको साफ में समझ में आएगा क्योंकि ये ट्रेडिंग का खर्चा है आपका। यस मैम, ये हमारा एक्सपेंस है, हाँ खर्चा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। प्रिंटिंग का बताइए, प्रिंटिंग का भी खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मैम डेबिट साइड। फर्नीचर क्या है? आपका एसेट्स है। मशीनरी भी आपकी एसेट है, वो आपके बैलेंस शीट में जाएंगी। तो देखो मैं हाँ बेसिकली मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो जितने भी सारे आपके पास एक एक आइटम्स हैं, हमें उन्हीं एक एक आइटम्स को पिक करना है और एक एक आइटम्स को हमें क्या करना है, उसकी प्लेसेस पे रखना है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, चाहे वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में हो, चाहे आपको वो बैलेंस शीट में हो। ठीक है, एंड देन बैड डेट। अच्छा ये मुझे बताइए, ये जो बैड डेट है इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा? क्या है आपका ये बैड डेट? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। एग्जैक्टली, ये आपका कहाँ जाएगा? ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और क्यों जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? क्योंकि क्या है, क्योंकि ये आपके लिए क्या गिवन है, ये आपके लिए गिवन है
बताओ क्या गिवन है ये आपके लिए, नॉन कैश एक्सपेंसेस अच्छा है और एक्सपेंस कैसा है, नॉन कैश एक्सपेंस है ठीक है। ये आपका बैड डेट 400 का हो गया, डिस्काउंट है अच्छा। यहाँ मुझे बताइए ये जो डिस्काउंट है, जब कहीं भी आपको डिस्काउंट वर्ड गिवन होता है और नहीं पता वहां पे कि वो डिस्काउंट रिसीव है, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड गिवन है तभी वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है ठीक है। कि ये देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना दो चीज में काफी मिस्टेक है, यहाँ डिस्काउंट में लिखा है 700 और यहाँ डिस्काउंट में लिखा है 1900, तो थोड़ा सा आप में ये चीज में देखना है कि जो ये डिस्काउंट है इसके ऊपर के जो आइटम है वो डेबिट के हैं, तो ये जो डिस्काउंट होगा इसका मतलब ये भी आपका डेबिट साइड में, क्योंकि डिस्काउंट को देना ठीक है, आपने डिस्काउंट दे रहे हो तो ये आपका लॉस है, तो यानी कि ये आपका डेबिट साइड में जाएगा। लेकिन आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, रिसीव डिस्काउंट को लिख, इस क्वेश्चन में आपको इस न्यूमेरिकल में ये गिवन नहीं है कि एक हमने ठीक है डिस्काउंट दिया या हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो जब तक डिस्काउंट रिसीव वर्ड गिवन ना हो, अगर फिर उसके ऊपर के एक आइटम आपने प्लीज चेक कर लीजिएगा कि वो आपका क्रेडिट का आइटम है या नहीं, क्योंकि देखो जो ये नीचे में बिल्स पेबल के ऊपर डिस्काउंट, डिस्काउंट के ऊपर आपके पास सेल्स है, तो ये जो सेल्स है ये आपका क्रेडिट साइड का सेल गिवन है ठीक है। ये जो सेल्स है ये सेल्स आपका क्रेडिट साइड का गिवन है, तो वही है यानी कि आपके लिए क्या हो गया, ये डिस्काउंट है तो 700 का हो गया, ये डिस्काउंट है ये कितने का है 1900 है ठीक है। सेल्स आपका क्रेडिट में है तो आप क्रेडिट साइड में उन्हें लिखेंगे। अब फिर आ जाइए ठीक है, बैड डेट आपके लिए क्या है, जो बैड डेट आपको ऊपर टेबल में गिवन है, मैं अभी सिर्फ उन्हीं की एंट्रीज बता रही हूँ क्योंकि मैं एडजस्टमेंट की एंट्रीज नहीं बता रही हूँ। एडजस्टमेंट की एंट्रीज के लिए हमें एक एक आइटम को उठा के ढंग से और सॉरी समझना है ठीक है। तो बैड डेट्स ऊपर जो गिवन है ये मेरे लिए डेबिट साइड में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर है डिस्काउंट, है डिस्काउंट कहाँ पर गिवन है, तो डिस्काउंट भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में है। सन्ड्री डेटर्स हैं, डेटर्स आपके लिए बताइए कहाँ आएगा, डेटर्स आपके लिए कहाँ आता है, बैलेंस शीट का आइटम है हाँ Asset. तो हाँ तो जो डेटर्स है वो आपका एसेट है, वो आपका बैलेंस शीट का आइटम है, कितना है 14,000। अब फिर है आपके लिए इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपके लिए है, ये भी एक्सपेंस है क्योंकि ऑफिस का इंश्योरेंस होगा या गुड्स का होगा जो आपने परचेज किए हैं या फिर ऑफिस में होगा ठीक है, तो ये भी आपका एक्सपेंस है। नथिंग इज रिटर्न कि ये किस चीज का है, तो ऑब्वियसली हमें ये ऑफिस का ही होगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो नहीं है। तो सेल्स है, सेल्स आपका क्रेडिट साइड में जाएगा ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की। डिस्काउंट वर्ड लिखा है ना, देखो यहाँ डिस्काउंट को फिर से हाँ बोलिए, बैलेंस शीट क्या बोला आपने, ठीक है तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपका क्योंकि ये जो डिस्काउंट है यहाँ पे आगे, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल जो पेपर्स में आ रहे हैं वहां पे वर्ड गिवन होता है ठीक है, कि वो जो डिस्काउंट है वो आपको कौन डिस्काउंट है रिसीव्ड है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड यहाँ प्लीज एड ऑन कर लीजिएगा, रिसीव्ड वर्ड गिवन होगा, नहीं है तो इसके ऊपर की ट्रांजेक्शंस देख लीजिए वो क्या है, क्रेडिट साइड में है, तो ये भी आइटम मेनली क्रेडिट साइड। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं होता है ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर रही हूँ क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन था तो फिर उसके लिए बच्चों ने नीचे नॉट लिखा था ठीक है, तो कि ये जो उसके आइटम है ऊपर का, तो इस क्योंकि यहाँ पे दो तीन बार था डिस्काउंट, तो जब दो तीन बार डिस्काउंट गिवन है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये एक डेबिट का है तो एक क्रेडिट का आइटम है ठीक है। तो बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल आपके लिए कौन सा आइटम होता है बताइए, लायबिलिटी साइड में आएगा आपकी बैलेंस शीट की हाँ, तो बैलेंस शीट की आपकी लायबिलिटी साइड में आएगा। तो देखिए सर ये जो आप प्रिपेयर कर रहे हो इसे प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर अब
मेन क्या होता है, क्या आपने ट्रेडिंग अकाउंट लर्न किया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लर्न किया, आपने बैलेंस शीट का परफॉर्मा अच्छे से किया, आपने फिर अभी देखा, अभी मैंने कुछ नहीं कराया आज के लिए, क्लास में क्या समझाया, कुछ भी नहीं हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट आपको आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपने बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें अभी तक क्या बताया कि इन सभी के जो आइटम्स हैं जो आपको टेबल्स में गिवन है, वन बाय वन करके पोस्ट कर दो। अब आता है मेन चीज फाइनल अकाउंट में। यहाँ तक सभी बच्चे कर लेते हैं, और ऐसा नहीं कि सभी को मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, क्योंकि इतना तो वो लर्न भी कर लेंगे, इन सब की पोस्टिंग भी कर देंगे। अब आएंगी आपकी एडजस्टमेंट। प्लीज आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो आप एक बार अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आप उसमें अच्छे से कंसर्न से कि एडजस्टमेंट की एक एक को ध्यान रखिएगा। इसीलिए रिकॉल ये क्वेश्चन आपको करा रही हूँ कि एडजस्टमेंट वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में जाएगा कि ये जितनी भी सारी, ठीक है, टेबल के नीचे एंट्रीज गिवन है, इनका दो साइड इफेक्ट आएगा। कहाँ इफेक्ट आएगा? दो साइड, क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन हैज इट्स टू साइड इफेक्ट। आपका जो बुक के भी नाम हम स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं? डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो ये जो आपके डबल एंट्री बुक कीपिंग है, इसमें जो आपके एडजस्टमेंट की जो नीचे एंट्रीज हैं, वो एंट्रीज भी आपकी कैसी आएंगी? जैसे आपके पास क्या है, एक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 7000 का क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, तो मुझे बताइए कौन कौन बताएगा कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ कहाँ आएगी? मैम, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो देखो पहले मेन चीज क्या है कि आपको ये समझना है कि ये स्टॉक है, ठीक है। अगर ये स्टॉक है, देखो एक देखो हर ट्रांजेक्शन का डेबिट साइड इफेक्ट है, ठीक है। डेबिट में ये कहाँ आएगा? डेबिट है तो इसका मतलब कि ये एसेट है। तो ये स्टॉक क्या होता है? एसेट ही तो हो गया भाई। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि साल के अंत में इतना माल पड़ा हुआ है, तो ये मेरे लिए क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर ये मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये साल के अंत में इतना माल मेरे लिए क्या है? पड़ा हुआ है। तो ये 7000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी सेल में एंट्री जाएगी, ठीक है। आपके पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी एंट्री जाएंगी, और जो ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी एंट्री जाएंगी वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा, क्योंकि स्टॉक है, देखो एक इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में हो गई, और दूसरी एंट्री इसकी कहाँ हुई? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में इसकी एंट्री कहाँ हुई, कौन बताएगा? एसेट साइड में हो गई इसकी एंट्री, ठीक है। तो डेबिट साइड में इसकी एंट्री कहाँ हो गई? एसेट साइड में हो गई, ठीक है। अब आइए, अब हमारे लिए क्या है? इंश्योरेंस प्रीपेड। देखो इंश्योरेंस था, देखो पहले इन चीजों को समझिएगा, यही बच्चे ना, अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दी ना इन्हें गलत समझने के लिए, तो एंटायर जो आपका क्वेश्चन है, एंटायर जो न्यूमेरिकल है, वो सब आपका गलत हो जाएगा। ये क्या है आपके लिए? इंश्योरेंस प्रीपेड है। कहने का मतलब क्या है? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस आपके लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस खर्चा है, और आपने उस खर्चे को पहले से ही पे कर दिया। आपको पता है कि आने वाले टाइम में मुझे इतना खर्चा होगा, इतना एक्सपेंस होगा, तो आपने उसे पहले से ही क्या कर दिया? पे कर दिया। मैंने एक चीज आपको समझाई है, ठीक है, कि जैसे एक्सपेंस है, खर्चा है, खर्चे को अगर मैं पहले से ही पेमेंट कर दूं, देखो खर्चा अगर ड्यू रह गया, मान लो कि मुझे पेमेंट करनी थी कल, ठीक है, मैंने पेमेंट आज भी नहीं की, तो यानी कि वो मेरा एक्सपेंस ड्यू है। अगर वो एक्सपेंस मेरा ड्यू है, लेकिन मुझे पेमेंट करनी थी कल, और मैंने पहले ही वो पेमेंट कर चुकी थी, मैं यानी उस पेमेंट को मैं ऑलरेडी पहले ही कर चुकी हूँ, तो वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 7000 का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है आपके पास? प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास है 60 का, यानी कि खर्चा है, एक्सपेंस है, उसे आपने पहले से ही क्या कर दिया? पे कर दिया। तो ये आपके लिए, अब आप इसकी एंट्री में देखो, खर्चा है,
अब एक्सपेंस है लेकिन ऐड तो नहीं होगा इंश्योरेंस में, क्या इंश्योरेंस में ऐड होना चाहिए? नहीं, खर्चा डेबिट साइड का मतलब वेरी गुड, ये क्या होगा? लेस होगा, इसीलिए इंश्योरेंस में कम होगा। हाँ, क्योंकि 400 इंश्योरेंस के हमें, आप प्लीज अपने नोट्स में देखिए अच्छे से, बाकी बच्चे ग्रुप में उसमें देखिए, नेहा आप उसमें देखिए अपने बुक में, ठीक है? तो यानी कि इसके लिए हमें क्या करना है, आपको इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस की एंट्री है, ठीक है? ये जो आपकी इंश्योरेंस की एंट्री है ये कहाँ जाएंगी? ये आपको 400 रुपए के पेमेंट करनी थी, ठीक है? अगर यहाँ लिखा होता, अच्छा मैं यहीं पे चेंजेस कर देती हूँ, प्रीपेड की जगह वर्ड लिखा होता आउटस्टैंडिंग, यानी कि 400 रुपए तो पे करने ही करने हैं और 60 रुपए और पे करने हैं, लेकिन ऐड हो जाता, वेरी गुड, वो ऐड हो जाता और आपके पास, और वो एक और कर्जा हो जाता, और वो आपके पास जाता, बैलेंस शीट में भी जाता, यहाँ भी ऐड होता और फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी ऐड होता, तो दो साइड इफेक्ट हुई, लेकिन उसका अपोजिट आपको गिवन है। तो इंश्योरेंस का आपको क्या गिवन है? इंश्योरेंस का आपको प्रीपेड गिवन है, ठीक है? तो प्रीपेड का मतलब क्या हो गया आपके लिए? पहले से ही आपने इसमें पेमेंट की है, अर्दी आपने खर्चा, तो जो खर्चे को हम पहले से पेमेंट कर देते हैं ना, वो मेरी एसेट बन जाती है। मान लो कि आपका खर्चा, क्योंकि देखो आपकी वो वैल्यू बन गई है ना, आपका वो कोई ड्यू अमाउंट तो नहीं है, आपका अब वो कोई कर्जा तो नहीं है, तो हम उसे बिजनेस के टर्म्स में, हम उसे अकाउंट्स के टर्म्स में क्या ट्रीट करते हैं? हम उसे बिजनेस के टर्म्स में, अकाउंट्स के टर्म्स में हम उसे ट्रीट करते हैं हमारा एसेट, ठीक है? सो आप इसमें देखिए, एक तो इंश्योरेंस में से आपका लेस हो गया कि 400 रुपए पे करने थे, ऑलरेडी आप 60 रुपए पे कर चुके हैं, तो अब आपको 340 पे करनी है। दूसरा आपका ये एसेट बन गई है, ठीक है? तो जब कभी भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, देखो आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको एक कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या आपके खुद की एक कंपनी है, तो इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं? प्रॉफिट के साथ साथ इन्वेस्टर सबसे पहले ये देखते हैं कि उनका कितना कर्जा है, कोई कर्जा तो नहीं है, ठीक है? उनका जो स्टॉक है वो कोई, मतलब कि उनका इतना एक्सपेंस तो नहीं है, उनके पास जो इंश्योरेंस है वो उनके पास इतना प्रीपेड इंश्योरेंस तो नहीं है, तो ठीक है वही है क्या लिखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? इंश्योरेंस वो आपने पहले से ही पे कर दिया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है? 60 का है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास कितना है? 60 रुपए का है, ठीक है? तो यानी कि इंश्योरेंस एक्सपेंस था, पहले से पेमेंट कर दी, तो ये चीजें एनालाइज की जाती है कि मैं भी अगर कंपनी के, जब मैं शेयर्स परचेज करती हूँ, तो मैं सबसे पहले उस कंपनी का एनालाइज करती हूँ, जैसे मैंने HDFC कंपनी के हैं, ठीक है ना, लिमिटेड के परचेज किए, तो मैं उनका ये देखती हूँ कि हाँ इस बार इनका जो एसेट्स है वो इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? लायबिलिटी साइड में इनका कम होना चाहिए, तो नहीं, जो अपने पहले से ही खर्चे को, एडवांस खर्चे को, ठीक है ना, अपने खर्चे को पहले से ही वो पेमेंट करके चल रहा हो, ड्यू डेट पे नहीं लेके चल रहा, इट मींस कि वो उसकी जो फाइनेंशियली पोजीशन है वो साउंड है, तो वो इसीलिए एसेट साइड में आपका ट्रीट किया जाएगा, ठीक है? अब देखो, आपको सी पार्ट में आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, अब आपकी लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग है, तो आपको लाइबिलिटीज जो आपकी आउटस्टैंडिंग है उनका जो ट्रीटमेंट है वो गिवन है। सो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में आपके पास सैलरीज हैं, तो सैलरीज आपके पास कितनी हो गई है? 200, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि आपको 200 रुपए सैलरी के पे करने हैं, भाई ड्यू है आपका, तो अब ड्यू है तो आपको, यानी कि वो खर्चा है, तो अगर वो आपका खर्चा है तो उसके दो साइड इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अगर पहले से ही सैलरी है तो उस सैलरी में मैं ऐड कर दूं, अगर सैलरी पहले से ही है तो मैं उसी में जोड़ देती हूँ अलग से कॉलम में, क्यों लिखूं उसको लिख के, तो मैंने 4200 में से जो सैलरी है 200 रुपए की ऑलरेडी ऐड कर दी, तो कितना हो गया मेरे पास? 4400। और जैसा कि मैंने बताया कि हर एडजस्टमेंट के आपके पास डबल साइड इफेक्ट होंगे, आपके उसके टू साइड इफेक्ट होंगे, तो आउटस्टैंडिंग होना, ड्यू होना,
ये आपका कर्जा है तो ये आपका बैलेंस शीट में भी जाएगा। आप बैलेंस शीट में देखिए आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से है गिवन सैलरी, सैलरी आपकी कितने की है 200 की, ठीक है। और वही सेम जो ट्रीटमेंट होगा आपका वेजेस के साथ भी सेम ट्रीटमेंट है, वेजेस भी आपके पास क्या है ड्यू है 200 की, और अगर वेजेस आपके पास 200 के ड्यू है तो, लेकिन वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर दो तो प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको एक एक ट्रेडिंग अकाउंट पहले प्रिपेयर करो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करो, फिर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। तो मैंने आपको वन बाय वन करने के लिए नहीं बोला, हर एंट्रीज है सारे ट्रांजेक्शन को आपको एक साथ प्रिपेयर करो, क्योंकि अब देखो अब आप जब भी न्यूमेरिकल को करोगे तो आपको क्या होगा कि आपने ऊपर से लेके तक आप बिल्कुल एंडिंग से आ रहे हो, स्टार्टिंग से लेके एक एक आइटम में उससे आपने उठाया है और उनकी आपने पोस्टिंग की है, ठीक है। अब हम डी पॉइंट तक आ गए हैं, डी पॉइंट पे देखिए मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स, कि जैसे डेटर्स हैं, डेटर्स आपके हैं, ठीक है, डेटर्स आप देखो डेटर्स का जो ट्रीटमेंट था वो अभी सिर्फ आपके पास बैलेंस शीट में आता है, ठीक है, लेकिन डेटर्स का है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि डाउटफुल डेट है, क्या मतलब है, प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि हमें अनुमान लगाना है, ठीक है। तो देखो जब कभी भी हम गुड्स उधार में देते हैं तभी मेरे डेटर्स बनते हैं, पहले तो मुझे ये समझना है कि डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स वो होते हैं कि जिन्हें हमने अपना जो गुड्स है वो क्रेडिट पे दे दिया। ये मेरे अराइज कब होते हैं, क्रेडिट सेल के बाद, आपने जो है क्रेडिट सेल में कर दिया तो ये आपके गुड्स कब अराइज होंगे, क्रेडिट सेल के बाद आपके ये गुड्स अराइज हो जाएंगे, ठीक है। सो ये आपके डेटर्स हैं। अब है कि इसका मतलब क्या है कि आपको मान लो 1 लाख रुपीज के आपको आने हैं, आपने गुड्स उधार में दे दिए। अब कहीं ना कहीं आपने उधार में क्यों दिया, क्योंकि आपको भी अपना बिजनेस में क्या करना है, फ्लो करना है, रन करना है, आपको लगा कि आज पेमेंट नहीं तो कल को पेमेंट आई जाएगी। जब ये पर हम भी ऐसा सोचते हैं, बिजनेस है वो एक अच्छे रिलेशन के मैटर के ऊपर भी चलता है कि ताकि उसका एक कस्टमर के साथ क्या हो जाए, रिलेशन बन जाए और हमारी मैक्सिमम क्या होगा। पर हमें ये चीज भी अनुमान लगानी है कि जब जो डेटर्स हैं उसमें से कोई ना कोई आपका नुकसान भी हो सकता है, डाउटफुल डेट्स भी क्रिएट हो सकते हैं, तो उसी का हमने प्रोविजन क्या अनुमान लगाया है। अभी हुआ नहीं है, चाहे हुआ हो नहीं हुआ हो, चाहे अपने अनुमान लगाया हो, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं। देखो हमने ये प्रोविजन लगा के चलते हैं कि इतना तो मेरा जो पैसा है वो डूबेगा ही डूबेगा, कि ताकि ये एक बिजनेस को एक उसकी रियलिटी समझाने के लिए है, बिजनेस को एक उसका प्रैक्टिकल है जो एक्सपेक्ट है उसको बताने के लिए होता है कि अगर आप उधार में देते हो तो आपके वो कहीं ना कहीं जो अमाउंट है, पैसे हैं, वो डूबते हैं, तो इट्स बेटर कि आप उसे कैश में दो। पर ठीक है, हर कोई उस मतलब उसमें ये ऐसा आपका जो बिजनेस है चल नहीं पाएगा, तो इसीलिए सभी देते। तो हमने यह अनुमान लगाया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% जो मेरा है, डाउटफुल डेट का जो मेरा प्रोविजन है वो 5% का प्रोविजन किया, यानी कि ये मेरा खर्चा ही हो गया कि भाई वो पैसे आने थे। अब इसका मतलब है कि डेटर्स, सबसे पहले आप डेटर्स ढूंढ लो, डेटर्स आपका कहाँ मिलेगा, आपकी बैलेंस शीट में जहाँ मैंने हमने उनकी एंट्रीज की होंगी वही आपके लिए डेटर्स मिलेगा। तो आप अपनी बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में देखो उसके साइड में आपके पास 14,000 का क्या है, डेटर्स है, जिसमें से हमने कितने का उसका प्रोविजन किया है, डेटर्स का 5%। तो आप 14,000 का 5, हाँ तो 700 हो गया। तो हाँ ये जो 700 है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि बैलेंस शीट में हमने क्या ये दो अमाउंट की स्टेटमेंट प्रिपेयर की है, सॉरी दो अमाउंट के स्टेटमेंट के उनके कॉलम प्रिपेयर हैं। आप उसके अलावा जो ये अमाउंट स्टेटमेंट है आप एक लाइन प्रिपेयर कर भी सकते हो, अगर आपको एक लाइन प्रिपेयर नहीं करनी तो भी ठीक है। तो अमाउंट है 14,000 है, और जो मेरी जो फाइनल अमाउंट निकल के आएगा उसके लिए एक अलग से अमाउंट हमने प्रिपेयर कर दिया। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकल के 700। तो ये तो मैंने अनुमान लगाया है
कि इतना मेरा पैसा डूब सकता है, डाउटफुल ठीक है ना, यानी कि डेट है मेरा, तो इतना पैसा मेरा ये डूब सकता है ठीक है। और बैड डेट क्या होता है, बैड डेट है कि मैंने इतना पैसा डूब गया है, दोनों में ये फर्क है ठीक है। जो हम बैड डेट्स यूज करते हैं कि तो पहले तो कंपनी या फिर जो कोई भी बिजनेस है वो अनुमान लगाएगा कि जो 700 है वो मेरा डूब गया, तो मैंने अपने डेटर्स में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब ये देखा जाए तो मेरा खर्चा है लेकिन ये मेरा एक्सपेंस ही हो गया, तो इसीलिए आपका, और ये क्या है आपका लॉस है, तो लॉस आपके लिए कहाँ आएगा, तो आपका लॉस आपका डेबिट साइड में आएगा। तो टू बैड डेट देखिए, जो ये टू बैड डेट है ये आपका 400 का बैड डेट है, और जो ये टू बैड डेट में एड कर दो प्रोविजन फॉर, तो बैड डेट है आपका 400 और ऑलरेडी ये आपका बैड डेट लॉस था, ये आपको गिवन था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो अब आपने और अपना जो अनुमान लगाया है लॉस वो उसी में ऐड कर दो। मैं इनका नेचर भी आपको समझा रही हूँ कि इसका नेचर वो उसी में ही क्यों ऐड हुआ है, तो इसीलिए आपने ऐड कर दिया प्रोविजन फॉर डीडी, यानी कि ये आपके लिए क्या है, डाउटफुल डेट का प्रोविजन है 700। तो कितना आ गया आपके पास 1100, क्लियर। सो ये आपका डाउटफुल डेट में ऐड हो गया। हाँ जी मैम, जो बैड डेट्स होते हैं अगर एडजस्टमेंट में दिए हुए होते हैं तभी हम डेटर्स में से माइनस करते हैं, एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं तभी। हाँ हाँ, वैसे देखो ये क्या गिवन है, ये आपको डेटर्स पे ना, वो तो पैसा ऑलरेडी डूब चुका है आपका, जो ऊपर आपको बैड डेट गिवन है ना वो आपका लॉस हो गया। मैम क्या बोला, ऊपर साइड की अभी भी वॉइस नहीं आ रही है मैम? आ रही है बेटा, आप भी एक बार अपना ना चेक कर लो, यहाँ तो फुल आ रहा है ठीक है। देखो मेरा कहने का, देखो ऊपर है तो ऊपर आपके पहले, यानी कि जो आपको टेबल में आप मैच कर रहे हो, तो आपको टेबल में गिवन है ना बैड डेट, उन सबका इफेक्ट एक ही साइड आएगा, वन साइड इफेक्ट आएगा ठीक है। आपका वन साइड इफेक्ट होगा या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या आपके पास क्या बैलेंस शीट में। तो मैंने आपको जो बैड डेट का ट्रीटमेंट है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ही बताया है, तो वही आएगा उसका एक्सपेंसेस साइड में। आप इसका परफॉर्मा है ठीक है, उसमें देखिएगा मैंने वीडियो है उसके लिए फाइनल अकाउंट की शायद डाल दी है, नहीं तो मैं डाल दूंगी वीडियो, उसमें आपको हर एक चीज का परफॉर्मा समझाया हुआ है। आप उसमें देखना कि आपका बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का बैलेंस आइटम है। अब मेन है आपको एडजस्टमेंट में गिवन है बैड डेट, अब बैड डेट्स आपको डेटर्स कितने का है, 5% का आपको डेटर्स है, तो डेटर्स कितने का है, तो आपको 5% का, सो मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स ठीक है। डेटर्स पे 5% का आपने क्या किया है, डाउटफुल डेट का आपने प्रोविजन, तो ये आपने अभी तक नहीं किया था, अभी तक ये आपका लॉस नहीं था, लेकिन वो ऊपर जो आपको गिवन है वो लॉस कन्वर्ट हो गया है। आप यहाँ अनुमान लगा रहे हो, आप यहाँ बैठे हो कि भाई डेटर से मुझे 14,000 मिलेंगे, लेकिन ठीक है अब आपने अनुमान लगा रहे हो कि नहीं इतना टाइम हो गया है, अब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, मार्च के एंड में आप प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं हो सकता है कि इतना और पैसा ना आए। ये बिजनेस क्यों करता है, ये बिजनेस तभी तो क्या करता है कि कभी कोई अनुमान लगाता है, कहीं उसको अपना प्रॉफिट कम दिखाना होता है ना, तो अनुमान यहाँ पे वो 10% का 20% का लगा लेता है ठीक है। नहीं होता उसको अपना यानी कि क्या करना है, ज्यादा दिखाना, तो कभी यहाँ पे 1% का अनुमान लगा लेगा। तो वही है क्या लिखा है, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स ठीक है। डेटर्स है तो डेटर्स पे यानी कि 5% का डेटर्स आपके पास कितना हो गया ठीक है, उसका आपने 5% का जो लिया वो आपके लिए लॉस है, और जो कि आपने डेटर्स यानी कि 14,000 में से भी इतना अमाउंट तो नहीं मिलेगा, तो वहां तो एंट्री होंगी लेस हो जाएगा, और आपका क्या है ये एक और लॉस हो गया, तो आपका ये बैड डेट्स में एड हो गया। क्लियर हुआ? बताइए क्लियर हुआ है नहीं? ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये डेट्स में से हम माइनस कर देंगे।
हाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, क्योंकि आपने अनुमान लगा रहे हो कि इतना आपका क्या जाएगा, खर्चा जाएगा, तो ये आपका एक्सपेंस अगर आपने लगाया है कर्ज, मतलब कि पैसे इतने आने थे और इतना आपका और लॉस हो गया, तो फिर तो वो लॉस थोड़ी ना आएगा। फिर आपको अनुमान लगा रहे हो, अभी हुआ नहीं है, अनुमान लगाने पे भी सेम ही एंट्री होती है कि जैसे जो एक्चुअल लॉस है, अगर आपको लगता है कि नहीं 700 में से मेरे 300 रुपए वापस आ गए हैं, तो वहां पे जहां पे आपने माइनस किया था ना वहां ऐड कर दो, जहां आपने ऐड किया था वहां माइनस कर दो। मैम एक बार इसकी ट्रीटमेंट बताना एसेट साइड में। अगर पैसे वापस आ जाते हैं, मान लो आपके 300 वापस आ गए हैं, लिखा है वहां पे, आता भी है ठीक है, एडजस्टमेंट साइड में लिखा है कि जो आपने अनुमान लगाया था पैसा उसमें से, कि दैट इज आउट ऑफ योर 700 ठीक है ना, 300 रिटर्न फ्रॉम योर द कस्टमर, सो आपके 700 में से 300 रुपए आपके कस्टमर वापस दे गया, यानी आपने ऑलरेडी उनको लॉस में ट्रीट कर दिया था ठीक है। अब वो आपका लॉस में ट्रीट हो गया था, आप तो ये समझ के बैठ गए थे कि अब तो मुझे वो नहीं मिलेगा, ये तो था लॉस में ट्रीट कर दिया आपने, पर अब वो पैसा आपको मिल गया, तो आपने वो डेटर का है ना भाई, डेटर है तो आपको सबसे पहले डेटर में ऐड कर दोगे कि भाई डेटर से 300 रुपए थे वो मुझे मिल गए ठीक है, और फिर आपने जो लॉस माना था ठीक है, जो आपने लॉस एज्यूम किया था ठीक है, जो आपके पास लॉस आपने माना है, तो अब उस लॉस में से अब तो वो एक्चुअल लॉस आपको 700 रुपए का नहीं पड़ा ना, अब तो आपका वो जो लॉस हुआ वो अब 400 का पड़ गया, तो अब 300 रुपए जहाँ पे आपने यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ऐड किया था, अब आप उसको वहां पर माइनस कर सकते हो। समझ में आया, ढंग से समझो ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इन फाइनल अकाउंट करना बहुत इंटरेस्टिंग है, वन बाय वन आपको प्रिपेयर करना है, आइटम्स के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना और ठीक है, बस थोड़े बहुत एक दो रूल्स हैं उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। देखो अब देखो नेक्स्ट का आइटम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, यानी कैपिटल है तो अब इसका मतलब है कि देखो कैपिटल पे इंटरेस्ट है, तो कैपिटल तो ऑलरेडी आपका लायबिलिटी साइड का बैलेंस है, तो देखो एक चीज ना प्रिपेयर हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी ना हम भूल जाते हैं कि इसकी कहाँ कहाँ हम एंट्री करें, तो एक चीज ध्यान रखना हर साइड में, कि जैसे आपके पास ए बी सी डी पॉइंट तक में आपके पास जितने भी सारे मैंने आपको ये ट्रांजेक्शन बताई है, एक का इफेक्ट डेबिट साइड में हुआ है तो एक का इफेक्ट क्रेडिट साइड में हुआ है ठीक है, बाकी के जितने भी सारे, इसका मतलब क्या है, ये जो ऊपर जो आपको टेबल में गिवन है ना आइटम, उन सब का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, एडजस्टमेंट का मतलब है कि जब कभी भी हम ये फाइनल ठीक है, कि भाई मैं आज क्या है 30 मार्च है, तो कल 31 मार्च होने वाला है, तो उसके लिए यानी कि हम कुछ इसमें क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, क्योंकि इन सब की एंट्रीज नहीं होती है, जो एडजस्टमेंट होता है उन सब की एंट्रीज हम यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम में इनकी एंट्रीज करते हैं, तो एक दिन में दो दिन में जब हम अकाउंट्स की बुक को क्लोज कर रहे हैं ठीक है, कि जब अपने अकाउंट्स की बुक को क्लोज करना है, जो मेरे पास फाइनल ईयर का जो भी अमाउंट है मुझे उन सबको करना है, तो इन सब के जो भी इफेक्ट्स होंगे, तो मेरे दो साइड इनके इफेक्ट होंगे, एक डेबिट में जाएगा और एक मेरा कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। सो क्या लिखा है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, कि आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है कितने का, 5% पर एनम का। सो कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम है ठीक है, तो कैपिटल आपके पास जितने का भी है, तो कैपिटल जो है तो उस पे इंटरेस्ट है ठीक है, कि जैसे आपके पास 24,000 का है तो उसको आपने 5% निकाल लो तो उसका आ गया 1200, तो जहां पे ये कैपिटल है तो उसी पे इंटरेस्ट लगा, तो आप वहां पे 1200 तो आपका कैपिटल में ऐड हो गया, लेकिन वो जो इंटरेस्ट है वो ये आपकी कंपनी या जो आपका बिजनेस है वही तो पेमेंट करेगी, तो वही आपकी कंपनी पे करेगी,
तो दिस इज योर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या आपका डेबिट साइड में. तो देखो एक साइड इफेक्ट आया आप इसका डेबिट साइड में और एक साइड इसका इफेक्ट आया क्रेडिट साइड में. तो ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट का ये इस तरीके से आपका इफेक्ट है. तो ये आ गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आ गया आपके पास 1200. ये 1200 है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा और ये जो आपका है ये आपका यानी कैपिटल में ऐड हो जाएगा 1200. ठीक है, तो ये आपका जाएगा इसमें कैपिटल कितना होगा 24,000 प्लस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200, इसमें आप ऐड कर सकते हो. पहले बताइए क्लियर समझ में आया इतना? यस मैम. यस मैम. ठीक है, अब तो मैंने एक एक चीज डिटेल में बता दी. अब देखो क्या लिखा है, डेप्रिशिएट द मशीनरी. अब पहले मुझे बताओ कि ये मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है. तो देखो डेप्रिशिएशन इज आल्सो योर नॉन कैश एक्सपेंसेस. ठीक है, आप ये जो ये कुछ ट्रीटमेंट है इनको ध्यान से समझो कि आपके पास बैड डेट्स होता है. डेप्रिशिएशन बेटा, डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है कि आप डेप्रिशिएट मतलब कम होना. हाँ, डेप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू का कम होना. आप परचेस करके लेके आए हो. हाँ, आप मशीनरी परचेस करके लेके आते हो. ठीक है, तो क्या मतलब वो सेम दाम में बिकेगी? आपको स्कूटी परचेस करके लेके आए हो तो सेम दाम में तो नहीं बिकेगी ना? नो मैम. तो हम आप आधे घंटे बाद भी आप उसको उसी सेम प्राइस पे नहीं बेच सकते. बेशक आप 500 रुपए कम में सोल्ड करो, एग्जैक्ट अमाउंट में आप तब भी नहीं बेच सकते हो. तो ये इसका वियर और टियर का होता है, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन. ठीक है, तो अब लिखा है डेप्रिशिएट द मशीनरी एट 5%. क्योंकि हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि देखो मशीनरी को जिस वैल्यू पे मैंने खरीदा है उसी वैल्यू पे मैं सालों साल अपने बुक्स के अकाउंट में उसी एसेट्स को लिखी जा रही हूँ. अब मैं बाद में आके देख रही हूँ कि अब उस मशीन की जो वैल्यू है वो इतनी है ही नहीं. क्या कहा था आपको आपने कंसेप्ट में, आपने रूल में है ना कि दैट आपके पास कौन सा है रूल में कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, हम उसी में ही अपने अकाउंट के बुक में उन्हीं की ट्रीटमेंट करते हैं जहां आपके पास जो कॉस्ट है और आपके पास मार्केट प्राइस है विच एवर इज लोअर, जो कम है. यानी कि जो कॉस्ट और जो मार्केट प्राइस आपके पास इन दोनों में से जो लेस है, जो कम है, उसी में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं ना, ताकि उसकी ट्रू जो अमाउंट है उन्हें निकालने के लिए, उन्हें देखने के लिए. सो हियर द डेप्रिशिएट इज अवर डेप्रिशिएट मशीनरी एट रुपीज फाइव एट द 5%. इट मीन्स दैट अवर वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज डिक्रीजिंग. ठीक है, यानी कि हमारी जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है. ठीक है, तो यहाँ आपके पास 5% है, तो आप ये मशीनरी अकाउंट ने, क्योंकि मशीनरी अकाउंट आपके लिए क्या है, एसेट साइड में जाता है, तो मशीनरी अकाउंट में 5,000 है, तो आपने इसका निकाल लो डेप्रिशिएशन, क्योंकि 5%, तो आपने 5,000 का 5% निकाला 250, इतने से इसकी वैल्यू क्या कम हो गई उस साल की, है ना, जिस साल में हमने इसको फाइनल अकाउंट का. फाइनल अकाउंट हमेशा मार्च के एंड में प्रिपेयर, यानी कि एक ईयर के, एक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, लास्ट डेट को हम प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, हमारा क्लोजिंग होता है नेक्स्ट ईयर के लिए. ठीक है, इन सब, क्योंकि अब हमें ये देखना है ना कि इस उस ईयर में हमारे लिए कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारी कितने एसेट्स हैं, कर्जे कितने हैं, खर्चे कितने हुए, इनकम्स कितनी हुई, ताकि हम उस चीज को आगे और फॉरवर्ड ना कर सकें. सो कितना हो गया हमारे लिए कि मशीनरी, तो मशीनरी में कितना हो गया है 5,000. तो आप यानी कि मशीनरी में कितना है 5,000 है. ठीक है, तो उसका हाँ, तो 5% निकाल के जो भी निकल के आइए वो अमाउंट निकल जाएगी. अब मैंने आपको पहले ही बोला कि डेप्रिशिएशन यानी कि आपका ये इफेक्ट, दो साइड इफेक्ट आएगा. ठीक है ना, तो एडजस्टमेंट हैज इट्स टू साइड इफेक्ट. सो वन इफेक्ट इज ऑन द मशीनरी साइड, ठीक है, ऑन द डेबिट साइड, एंड अदर इफेक्ट इज ऑन द डेबिट. हाँ, तो हमें यानी कि डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट.
So debit side of the profit and loss account as it is an non-cash expenses because machinery is our the non-cash expenses. So to depreciation on a machinery, so machinery is our the non-cash expenses and non-cash expenses comes under the debit side of our the profit and loss account. So machinery account ko humne debit kar diya by the 250. Same treatment is with the furniture, ठीक है? Because furniture is also our the asset, so आपको वही जो हमने machinery account में treatment किया है, same treatment हमें furniture का भी करना है. Furniture का हमारे लिए है कितना 2000 है, तो 2000 में से मैंने उसका कितना compute करूँगी? 2000 में से मैंने उसका 10% compute कीजिए, तो comes out to be the 200. So 2000 plus the ठीक है ना, सॉरी लेस करने, बिकॉज इट्स वैल्यू इज डिक्रीजिंग. डेप्रिशिएट मींस कि उसकी वैल्यू कम हो रही है. इसमें वियर एंड टियर का लग रहा है, यानी जो आपके पास जो 2000 का आपने फर्नीचर लिया था, अब उसकी जो वैल्यू है वो आपकी 1800 की हो गई है. दिस इज नॉट योर एक्चुअल कैश, ठीक है? ये आपका एक्सपेंसिस नहीं है, आपका ये एक्चुअल कैश एक्सपेंसिस नहीं है. डेप्रिशिएशन इज योर द नॉन कैश एक्सपेंसिस. सो एज इट इज योर द एक्सपेंसिस, its nature is entirely your the expenses, so it comes under the again debit side of your profit and loss account by the name of depreciation. ठीक है, तो वहीं पे आप देख लीजिए depreciation है machinery पे 250, furniture पे आपके लिए depreciation कितना लग गया है 200, वो हमने इसमें debit side में add on कर दिया. Now the next and it's the last treatment है आपके लिए, reserve for the discount on creditor. ठीक है, देखो क्रेडिटर्स हैं. क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? देखो क्रेडिटर्स हैं, पहले आप इनका नेचर समझिएगा कि जो नेचर क्या होता है. क्रेडिटर्स का मतलब क्या हो गया कि हमें उनके इतने पैसे देने हैं, राइट? अगर क्रेडिटर्स के मुझे पैसे देने हैं, डेटर्स से मुझे लेने होते हैं, और यानी कि ये मेरे लिए आउटस्टैंडिंग है, तो हम भी ये अनुमान लगा लेते हैं कि ठीक है, अगर मैं उन क्रेडिटर्स के है 10,000 रुपए मुझे पे करने हैं, तो मैं आज नहीं कल दूंगी, तो वो मुझे बार बार फोन करता है. ठीक है, देखो बिजनेस में क्या होता है, मेन ना मनी के लिए ही मेन सिस्टम है, तो वो मुझे आज नहीं कल देगा, कल नहीं वो मुझे परसों देगा. ठीक है, तो इस तरीके की ये है ट्रीटमेंट है. तो वो हमें ऑफर भी करते हैं कि ठीक है, आप हमें काम कीजिए, 500 रुपीज कम कर दीजिए, हम आपको 2% का 1% का डिस्काउंट देते हैं अगर आप हमें अभी पेमेंट करते हो. तो इस तरीके से एंट्रीज होती है, बिजनेस में चलता है. तो बिजनेस होता है तो वो भी क्या करते हैं, अपना अनुमान लगा के चलता है कि क्या पता मुझे यहाँ फायदा हो जाए, चाहे वो मेरे 100 रुपीज का फायदा हो, चाहे वो मेरे 500 रुपीज का फायदा हो. ठीक है, और जहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है, क्या पता वहां पे लाखों रुपए का भी डिस्काउंट हो वो मिल जाता है. तो यहाँ पे इस केस में आपको क्रेडिटर्स है, यानी कि जिनको पैसा देना था, अगर वो आपको डिस्काउंट देते हैं, तो ये आपके लिए इनकम साइड है, तो आपके लिए क्या हो गया, ये आपका इनकम हो गया, यानी कि आपका एक्सपेंस बच गया, आपका जो खर्चा है वो बच गया. तो क्रेडिटर्स पर है तो वो कितना है, 1%. So the reserve for discount on creditors comes out to be the your 100. So आपने so compute the 1% of your the 10,000. Okay. So please compute 1% of your 10,000 comes out to be your the rupees 100. So as it was your not expenses, it treated as your the income. ठीक है? Like it is not your the exact income. एग्जैक्ट इनकम नहीं है, एक्चुअल इनकम नहीं है, मतलब ये आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट है. ठीक है, सो लेस आप हम तो हम इसमें से क्रेडिटर्स में से 10,000 रुपए में से मैंने 100 माइनस कर दिया, इट मींस कि मुझे 9,900 रुपए देने हैं अब. ठीक है, सो अब इसका जो इफेक्ट है आपका खर्चा नहीं है, इट्स नेचर इज नॉट योर द एक्सपेंसिस, सो इट डज नॉट कम अंडर द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो इट कम्स अंडर योर credit side of the profit and the loss account. So please mention it. So by the discount for the reserve for discount on creditors, that is the rupees your 100. Clear hua? ठीक है, by the end of this statement, ठीक है, आपके पास जितने भी हमें सब कुछ given था, we have prepared our final account. But still something is remaining. ठीक है, still something is remaining. क्या है वो?
अभी तक सिर्फ मैंने सिर्फ सबकी पोस्टिंग की, आई हैव डन ओनली द पोस्टिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, बट स्टिल माई बैलेंस शीट इज नॉट मैच्ड. आप अपने निकाल सकते, कंप्यूट कर सकते हो कि अभी मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई है. सो प्लीज वंस अगेन चेक, आप कभी भी दोबारा से निकालो, क्योंकि अब हम वो काम कर रहे हैं जहां मुझे ये चेक करना है क्या मेरी बैलेंस शीट मैच होगी या नहीं होगी. ठीक है, अगर बैलेंस शीट मेरी मैच हुई, इट मीन्स कि आपने बिल्कुल सही किया है, आपने जो सब कुछ निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है. अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, ठीक है, तो इट मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग और आपको दोबारा से रीचेक करना है, एंट्रीज देखनी है कि कहीं आपने उनका इफेक्ट गलत तो नहीं कर दिया. नाउ कम्स ऑन योर ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, डू देयर टोटल. अब आपको इनके टोटल करने हैं. ट्रेडिंग अकाउंट में आपको इन सब के टोटल डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम्स है, 8,000, 20,000, 1,400 एंड ऑन द क्रेडिट साइड इज 29,000 एंड प्लस 7,000. आप इन सभी को टोटल कीजिए, तो टोटल आपके पास कितना हो गया है, 36,000 है. तो आप ठीक है, फिर यहाँ देखिए क्या आपका डेबिट साइड में अमाउंट सेम आ रही है या आपके पास कुछ कम है. तो यहाँ पे आपके पास 6,600 का क्या निकल के आया है, प्रॉफिट निकल के आया है. सो दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी योर 6,600 एंड दैट ग्रॉस प्रॉफिट विल ट्रांसफर टू अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्लीज ट्रांसफर द दैट प्रॉफिट टू इन टू अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो बाय द नेम ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट इट इज, ठीक है ना, क्योंकि यह जो इफेक्ट होगा साइड में, इसका अपोजिट साइड में इफेक्ट शो करेंगे. सो वी विल शो द इफेक्ट ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है, ऑन अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो वहां पे जो प्रॉफिट है ये मेरा क्रेडिट साइड में शो हो जाएगा. सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हो गया, 6,600 इज माई द ग्रॉस प्रॉफिट. क्लियर? सो हेयर द टू ग्रॉस प्रॉफिट इज माई द 6,600 and here by the gross profit is minus 6,600, ठीक है, by the discount 1,900, ठीक है, reserve for discount on creditors 100 and then आपको इन सभी का total कीजिए दोनों side. So please do the totaling of both the side, ठीक है, दोनों की जो totaling है और जिसका balance कम आ रहा है वहां आपको show करना है क्या है. अगर आपको लगता है कि डेबिट साइड का बैलेंस कम है, तो डेबिट साइड का बैलेंस कम है तो होता है, तो इट मींस कि आपको प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन यहाँ पर आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, तभी आपका यहाँ पे आया बाय नेट लॉस. इसका मतलब कि डेबिट साइड में आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है. ऑब्वियसली डेबिट इसका मतलब क्या है, कि आपके इनकम्स कम हुई है और आपके खर्चे ज्यादा है, यही मतलब हो गया. तो आपके लिए क्या हो गया, बाय द नेट लॉस दैट इज ट्रांसफर टू योर द कैपिटल अकाउंट. सो दिस नेट लॉस इज एग्जैक्टली, तो कंपनी सीज, ठीक है, कि ओ ये हमें क्या हुआ है, वी हैव इनकर अ लॉस ऑफ रुपीज 38 मतलब 90. इट मींस कि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें क्या हुआ, लॉस हुआ है, ठीक है. तो आपने ट्रांसफर किया गया ये लॉस 390 का लॉस है. सो आपके अपोजिट साइड में ही है, ट्रांसफर होगा. बट प्लीज रिमेम्बर दैट ग्रॉस प्रॉफिट एड होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज एडेड, ठीक है, टू द कैपिटल अकाउंट इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द, ठीक है, बैलेंस शीट. बट इट्स नाउ द नेट लॉस, सो नेट लॉस विल बी डिडक्टेड. सो नेट लॉस है, तो मेरा जो नेट लॉस है वो क्या हो जाएगा, मेरा नेट लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. नाउ सी द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को आप देखिए. बैलेंस शीट में आपने देखा है लैंड एंड बिल्डिंग, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, मशीनरी, फर्नीचर. आप इन सभी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है. और फिर इसमें देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल, ठीक है. तो अब यहाँ पे तो कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगा आपका बैलेंस शीट में. सो बैलेंस शीट में हम कोई भी जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो नहीं निकालते हैं, ठीक है. तो ये जो आपके पास है, इन दोनों के टोटल को अगर आप मैच कर दोगे, इन दोनों का जो टोटल है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. तो इसका मतलब
कि आपने जो एंटायर ट्रांजेक्शंस की हैं, एंटायर जो आपने स्टेटमेंट प्रिपेयर की हैं, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर की है। और कोई दिक्कत हुई? देखो इसमें समझ में आया सभी को, ये क्या लिखा है आपने जोधपुर की मैम, रिजर्व ऑन कैपिटल 100 क्रेडिट साइड में आएगा। हाँ क्रेडिट साइड में ही आएगा, लास्ट एंट्री में, यस क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि वो आपका इनकम है, दैट्स व्हाई क्रेडिट साइड में तो आएगा। ओके मैम, एक और डाउट था। हाँ बोलिए मैम, जो बैड डेट का ट्रीटमेंट है वो क्रेडिट साइड में शो करें या फिर डेबिट साइड में? बैड डेट, पहले तो मुझे ये बताओ आप एडजस्टमेंट वाले बैड डेट की बात कर रहे हो या आप जो ऊपर शो किया गया उसकी बात कर रहे हो? बिकॉज जो ऊपर शो किया है, सो प्लीज बेटा अंडरस्टैंड इट्स नेचर, बिकॉज वहां पे जो आपको टेबल में शो है, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस ऑल द एंट्रीज इन योर द टेबल हैज ओनली द वन इफेक्ट, नॉट द टू साइड इफेक्ट, ठीक है? ओनली एडजस्टमेंट हैज अ टू साइड इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। बाकी जो टेबल्स में आपको आइटम गिवन है सभी का ट्रीटमेंट एक ही बार होगा, ठीक है? अब नाउ बैड डेट, बैड डेट इज योर द नॉन कैश एक्सपेंसेस, एक्चुअली बैड डेट इज योर द नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है? एक्चुअल में बैड डेट क्या है? वो आपका नॉन कैश बिकॉज एक्सपेंसेस है, एंड एक्सपेंसेस कम्स अंडर द योर डेबिट साइड ऑफ योर बैलेंस शीट, ठीक है? तो उसका डेटर से वहां कंसर्न नहीं है, डेटर से तो होके वो क्या पता हम उसको पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, लॉसेस जो होते हैं हम उसे पिछले साल के निकाल रहे हो, ये हमारे नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है? ये जो बैड डेट्स हैं, ठीक है, तो ये बैड डेट्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, इट कम्स अंडर योर डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा जिज्ञासा बेटा एक बार फटाफट से सबकी अटेंडेंस ले लेना, ओके मैम, और मुझे फिर मेल भी कर देना, जल्दी ले लो अटेंडेंस एक बार। और तो कोई डाउट नहीं है किसी को, प्लीज पूछ लीजिए। बेटा आपकी आवाज नहीं, मुझे समझ में नहीं आया मैम, रिजर्व में एक इफेक्ट तो बैलेंस शीट में जाएगा, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? रिजर्व का बेटा आप ये खुद देखिए ना कि रिजर्व आपका है क्या, आपको ये जो रिजर्व है ये क्रेडिटर्स पे रिजर्व था ना, आपको क्रेडिटर्स पे की, इसका मतलब क्या है कि वो आपको क्या पता डिस्काउंट दे दें, तो डिस्काउंट मिलना तो आपके लिए एक प्रॉफिट हो गया ना, तो एक साइड आपका बैलेंस शीट पे इफेक्ट गया और एक साइड आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, नेचर को अंडरस्टैंड कीजिए आप, अंडर इसके नेचर को पैटर्न को समझोगे हर साइड इसका जो इफेक्ट जाएगा आपको समझ में आ जाएगा इक्वली, बिना नेचर को समझोगे तो इफेक्ट नहीं समझ में आएगा, वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एनी मोर डाउट प्लीज? आप सभी रोल नंबर्स मत लिखिए, जिन्होंने अपने नेम के आगे रोल नंबर्स लिखे हैं प्लीज डू नॉट राइट योर रोल नंबर्स। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, इन सब का ट्रीटमेंट बहुत लंबा था इसीलिए ये मुझे पता था कि ये एक घंटे में नहीं होगा, ये ज्यादा टाइम में जाएगा क्योंकि मुझे उसका एक एक इफेक्ट समझाना था। देखो एक ही क्वेश्चन हमारा कम से कम 1.5 घंटे में गया अगर हमने 1 बजे स्टार्ट किया, ठीक है, तो 1.5 घंटे में ये हमारा एंटायर क्वेश्चन हुआ है, आपको प्लीज टाइम लगेगा, ठीक है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करना बिकॉज हम संडे को डिपार्टमेंटल अकाउंट स्टार्ट कराऊंगी, ये फिर हम बार बार नहीं करेंगे, पहले बता रही हूँ। मैम लीव कर दे, मैम अटेंडेंस बोल दूं? एक मिनट, अटेंडेंस हो जाए उसके बाद आप लोग लीव कर दीजिएगा, ठीक है? आई होप सभी ने अपना ना जो उसमें ट्रीटमेंट करना है वो सभी कुछ कर दिया होगा, ठीक है? प्लीज जिन्होंने बार बार मैसेज किए हैं ना वो बार बार ना करें,
नेम लिखे हुए हैं तो बार बार प्लीज मत किया, आपने कर दिया है जिज्ञासा के नेम बोल रही है, काउंट कर रही है, ठीक है। जिन्हें एग्जिट करना है वो फिर एग्जिट कर सकते हैं। मैं नाम बोल रही हूँ सबके। ओके अर्चना,